ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हमारी ऑन हो चुकी है। तो कोई मुझे बताओ, मतलब इनहेरिटेंस अगर आप वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? क्या समझ में आता है आपको कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, कि इंग्लिश में मीनिंग क्या है, मतलब इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या है? कनेक्शन फ्रॉम प्रीवियस, ओके। और कोई? प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, वेरी गुड। तो मेन पर्पस यही होता है, जैसे आप इनहेरिटेंस लेते हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स से लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि आप कोई चाइल्ड, वेरी गुड, इसने गर्वित ने बिल्कुल अच्छा बोला है, कोई भी चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है पेरेंट्स से, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब हम जावा में आ जाते हैं, ये किस तरह से हो पाता है, जावा में कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या रीज़न है, तो वो सब आगे देख लेते हैं। ये सब फ़ोन हटा देते हैं, बहुत सारा कोड लिखा था हमने कल, आज थोड़ा कम कोड लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक ह्यूमन है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास एंटिटी हो गई ह्यूमन, ठीक है। अब इसके अंदर एक सब एंटिटी भी हो सकती है, बॉय ले लेते हैं एक, और एक हमारी गर्ल ले लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर आपका एक बेसिक फीचर आ गया वॉकिंग, कि ह्यूमन वॉक करता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका कुछ कोड होगा कि कैसे वॉक करता है, कोड टू वॉक होगा, मतलब एक तरह से आप मेथड मांग सकते हो, सो इट्स अ मेथड, है ना। वॉकिंग को हम एक मेथड मान लेते हैं, टॉकिंग एक मेथड हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, पल्लवी पांडे, हम वैसे ही इतना लेट हैं और आप और लेट आए हैं, ठीक है। तो वॉकिंग एक मेथड हो गया आपका, टॉकिंग एक मेथड हो गया आपका, ईटिंग एक मेथड हो गया। अगर हम कुछ फीचर्स ले लें, अगर फीचर्स ले लें, प्रॉपर्टीज ले लें, तो क्या क्या हो गया, हाइट होगी, वेट होगा, ठीक है, तो इस तरह से हेयर कलर होगा, इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, ठीक है। एक सेकंड, मेरी कैब आ गई, मैं एक बार बता देता हूँ उनको, मम्मी को, है ना। ठीक है, हो गया है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने जैसे देखा था कि हमारे ह्यूमंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाइट, वेट, हेयर कलर एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके साथ साथ हमारी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे बिहेवियर होता है, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग। तो आप देखोगे ये सब मेनली चीज़ें तो सेम रहेंगी बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, कि लड़कियाँ भी वॉक करती हैं, लड़के भी वॉक करते हैं, लड़कियाँ भी टॉक करती हैं, लड़कियाँ भी ईट करती हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो क्लास है, मतलब एंटिटी है ह्यूमन, वो एक तरह से बॉय से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। अब होगा क्या कि आपको अगर ये सारा कोड लिखना होगा, मान लो मैं 10,000 लाइन का कोड लिखता हूँ वॉकिंग का, तो मैं उसके लिए सेम लिखूँगा, और सेम मैं बॉय के लिए लिखूँगा, गर्ल के लिए लिखूँगा, तो काफ़ी सारा रिपीटिशन हो जाएगा। तो इस रिपीटिशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ह्यूमन में लिखूँगा, और एक तरह से कनेक्ट कर दूँगा इसको ह्यूमन से, ठीक है। बॉय कनेक्ट ह्यूमन, गर्ल कनेक्ट ह्यूमन, मैं एग्जैक्ट टर्म आपको बताऊंगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि ये सारी फंक्शनैलिटी जो ह्यूमन की हैं वो बॉय में आ जाएंगी और इसकी गर्ल में हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पर्सनैलिटी होंगी, कि जैसे अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है मेन की, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, मतलब आप सोच सकते हैं, कुछ मेथड्स हो गए, फाइटिंग हो गया, है ना, वैसे लड़कियां भी फाइटिंग करती हैं, कुछ बताओ प्रॉपर्टी यूनिक। हेलो, हाँ आ गया है वो बाहर, हाँ कितनी देर में जाना है, ठीक है ठीक है। सोचो कोई प्रॉपर्टी मन में आ रही हो, कुछ तो प्रॉपर्टी बताओ, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा यार क्या बोले। बॉय की, ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। आजकल लड़के लड़कियां तो बराबर हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही मुझे तो, ठीक है। तो
तो कुछ एडिशनल हम फीचर्स डाल सकते हैं, बट जो कॉमन फीचर्स होंगे जैसे हाइट, वेट, हेयर कलर, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब आपका सेम कनेक्ट हो जाएगा, आपका आ जाएगा ह्यूमन से ही, उसके लिए आपको सेपरेटली कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक कि हम क्या करते हैं कि जो सेम कोड होता है उसके रिपीटिशन को बचाने के लिए जो एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड है तो उसका कोड उसमें यूज़ कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इसे कॉन्सेप्ट लेवल पे समझ रहे हैं बात को, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे इसमें बढ़ेंगे। अब मैं अगर इसको जावा की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कैसे बनेगा, चलो फ़ोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत दिन से फ़ोन खेल रहे हैं। तो एक मेरे पास क्लास हो गई फ़ोन, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल दी, इंट स्क्रीन साइज, ठीक है, आपने स्ट्रिंग मॉडल नेम डाल दिया, ये मैंने दो प्रॉपर्टीज़ डाल दी और एक void स्विच ऑन करके एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे पास एक और क्लास है जो कि फ़ोन से रिलेटेड है, क्लास आईफोन, ठीक है। अब आईफोन में क्या है, मुझे यही सब चीज़ें होंगी, स्क्रीन साइज़ होगा, मॉडल नेम होगा, मुझे स्विच ऑन करना होगा, स्विच ऑफ करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं सारा कोड इसमें लिखूँगा वापस, पूरा का पूरा कोड लिखूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, इसको इससे लिंक कर दूँगा। वो कैसे करेंगे हम, एक्सटेंड्स कीवर्ड से, हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड, और वो कर देगा उस क्लास से लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी मेथड नहीं लिखा, अब मैं यहाँ पर एक और मेथड बना देता हूँ ताकि चेक कर सकें, चेक आईफोन, कि हम आईफोन में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, ये हमारा इन फोन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैं नीचे एक और लाइन प्रिंट करा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है, इन आईफोन, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया इन आईफोन। हेलो भैया, अखिलेश बोल रहे ना, हाँ बस 5 मिनट में आ रही मम्मी, वो नीचे वही गेट के बैंक के सामने खड़े हो ना, ठीक है ठीक है, बस 5 मिनट बाद। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, हमने क्या करा है, हमने एक क्लास बनाई है फ़ोन, उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेवियर है, अब यही सब हमें चाहिए आईफोन के अंदर। तो उसे हम कैसे इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमारी क्लास एक्सटेंड, वो वाली क्लास जो हमें एक्सटेंड करनी है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें हमें मिल जाएगी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये मेथड है जो मैंने सिर्फ इसी में ही एडिशनली डिफाइन कर रखा है। अब हम एक डेमो क्लास बना लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मुझे कौन बताएगा कि इसमें स्टैटिक क्यों लगाते हैं हम, मैंने कल समझाया था, कमेंट में लिखो फटाफट। फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी फ़ोन का नहीं, आईफोन का, ठीक है, आई डॉट स्क्रीन साइज में असाइन कर सकता हूँ इसमें 12, किसी ने लिखा स्टैटिक का आंसर, कहाँ बिजी है जनता। चलो लिख देना बाद में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वो वाला मेथड कॉल करूँगा ऊपर वाला, आई डॉट स्विच ऑन, जो कि हमारे फ़ोन में अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड इस पर कॉल करूँगा, आई डॉट चेक आईफोन, जो हमने बनाया है नीचे वाला मेथड, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों मेथड एग्जीक्यूट होंगे, प्रिंट हो जाएगा, क्या हो गया, सब चुप कैसे हो गए, मेरी आवाज़ तो आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, कुछ तो लिखो कमेंट में। शैलेंद्र कहाँ गए बेटा, शशांक दुबे आए हैं आज, मैंने कहा आवाज़ नहीं आई अभी तक, चलो बढ़िया है, प्रांजल बढ़िया, चंद्रकला है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा है, हमारा इन फ़ोन प्रिंट हो गया है, हमारा इन आईफोन प्रिंट हो गया है। अब आप देखोगे कि फ़ोन मेथड मैंने आईफोन के अंदर कभी लिखा ही नहीं, स्विच ऑन मेथड ये तो सिर्फ मैंने फ़ोन क्लास के अंदर रखा था, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है इनहेरिटेंस का। तो उसमें क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि एक सेम सेट ऑफ कोड बहुत सारी क्लासेस में यूज़ होने वाला है, तो उसे बार बार हर जगह लिखने से अच्छा हम एक क्लास में लिखते हैं और बाकी सारी क्लास उसको एक्सटेंड कर लेती है और उसे एज इट इज़ यूज़ कर लेती है, मतलब अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हम धीरे 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 कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे अपने इनहेरिटेंस के टॉपिक को, बट एक बेसिक मीनिंग आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या लिखा है, कुछ की टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। देर आर फोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हुप। सबसे पहले हम पढ़ें इनहेरिटेंस। इट इज़ अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। यही हमने पढ़ा है इतनी देर में। कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है कि जिस क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है, जिस क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास। द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ये डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है। बट जावा में हम सिर्फ सुपर क्लास बोलने वाले हैं। तो हमारे सब क्लास वो क्लास होती है जो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। तो हमारे यहाँ पे सुपर क्लास क्या है, फ़ोन है। फ़ोन हमारा सुपर क्लास है और आईफोन हमारा यहाँ पे सब क्लास है, ठीक है। तो आगे हम यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, सुपर क्लास और सब क्लास। इससे हम क्या अचीव करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजबिलिटी। तो एक कोड हम एक बार लिख सकते हैं और कई बार कई डिफरेंट फॉर्म में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम उसी फील्ड और मेथड को हम रीयूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी है। एक एग्जांपल हमने देख लिया है इनहेरिटेंस कैसे होता है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो आपसे कोई पूछे हाउ डू यू अचीव इनहेरिटेंस इन जावा, यू कैन से बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। सिंटेक्स आपको मैंने दिखा दिया है एग्जाम के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ये फ़ोन कॉल डिस्प्ले सेम मेथड मैंने यहाँ पर भी लिखा है आपके लिए। अब आ जाते हैं हम इनहेरिटेंस के कुछ टाइप पे। तो इनहेरिटेंस सबको क्लियर है, मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनहेरिटेंस में। कोई और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत हो ठीक है, क्लियर है। कैन यू प्रोवाइड नोट्स, ठीक है मैं शेयर कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप्स देखेंगे इनहेरिटेंस के। अभी तक हमने क्या देखा, एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट करा है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबके हम एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का तो हमने देख ही लिया है, एक फ़ोन क्लास है जिसको आपका आईफोन एक्सटेंड कर रहा है। तो फ़ोन को आईफोन एक्सटेंड कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर मिल गई हैं। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे इनहेरिटेंस पे कि उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मेरी फ़ोन क्लास है, ठीक है, एक फ़ोन हो गई। फ़ोन और भी तो तरीके हो सकते हैं, जैसे फीचर्ड फ़ोन हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है ना, और भी कई तरीके के फ़ोन हो सकते हैं, सैटेलाइट फ़ोन हो सकता है। तो और भी तो एक क्लास बन सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन बना देता हूँ कि इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे कि आपका जीपीएस बता दो, कैमरा ऑन कर दो, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। फीचर्ड फ़ोन में तो ये सब होता नहीं है, या होता होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्मार्टफोन को आपने एक्सटेंड करा है फ़ोन ने, ठीक है, और अब आपके स्मार्टफोन को एक्सटेंड करेगा आईफोन। वो फ़ोन को नहीं एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वो फ़ोन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, वो दूसरी क्लास को एक्सेस कर रहा है और वो दूसरी क्लास अपने आप में किसी और क्लास को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम एक मेथड बना देते हैं, टर्न ऑन जीपीएस और इन स्मार्टफोन, ठीक है। आईफोन एक्सटेंड स्मार्टफोन को कर रहा है, स्मार्टफोन एक्सटेंड फ़ोन को कर रहा है और फ़ोन को कोई भी एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो ये आप देख रहे हो तीन लेवल बन चुके हैं हमारे पास इनहेरिटेंस के, और सारे मेथड्स को आप आईफोन के ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसी को ही हम मल्टी लेवल बोल सकते हैं। इसमें कितने भी लेवल हो सकते हैं, 8, 10, 12 क्लासेस इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो एक दूसरी क्लास को करे, दूसरी क्लास को करे। तो ये भी एक बहुत कॉमन फॉर्म है इनहेरिटेंस का और काफ़ी मिलता है हमको कई जगह पे यूज़ करने में। जहाँ भी आप एंड्रॉयड या स्प्रिंग कहीं भी कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया इन फ़ोन, इन आईफोन, इन स्मार्टफोन। तो तीनों लेवल के मैंने मेथड्स को सिर्फ और सिर्फ फ़ोन आईफोन क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिया। तो मल्टी लेवल समझ में आ गया सबको। इसमें यही है बस, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल
लगाई जाती हैं। ठीक है, क्यों कोई डाउट किसी को? गुड, ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो कि है एरारिकल एरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आईफोन एक्सटेंड कर रहा था स्मार्टफोन को, तो इस स्मार्टफोन वाला हटा देते हैं अभी के लिए और खाली फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आईफोन एक्सटेंड कर रहा है फ़ोन को, तो यहाँ पे और भी तो क्लासेस कर सकती हैं फ़ोन को। सैमसंग कर सकता है, एम आई कर सकता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ कैश में है पेमेंट। बैठ जाओ, ओटीपी बता दूंगा तभी। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे आईफोन हमारी क्लास है, ऐसी एक सैमसंग हो सकती है, एक हमारी क्लास एमआई बना लेते हैं। और किसका फ़ोन चल रहा है आजकल मार्केट में? आई थिंक यही दो नाम है, वन प्लस बचा, चलो छोड़ो उसे। ठीक है, तो इस तरह से आप तीन बना सकते हैं। आप ये देखो कि ये एक ही लेवल पे तीन क्लासेस हैं। तो अगर आप बोलोगे कि आईफोन, सैमसंग और एमआई के बीच में किस तरह का इनहेरिटेंस है, इसको हम बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। वन क्लास सर्व एज अ सुपर क्लास, दैट इज बेस क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास। तो ये जितनी भी सब क्लासेज हैं ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कहलाई जाएंगी। ठीक है, तो मल्टी लेवल क्या हुआ कि बहुत सारी क्लासेज एक दूसरे को कर रही थी, जैसे एक क्लास दूसरी क्लास को कर रही थी, दूसरी क्लास इन थर्ड तीसरी क्लास को कर रही थी। हायरार्किकल में क्या हो रहा है कि बहुत सारी क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही है। जैसे हमने देखा कि सैमसंग, आईफोन, एमआई, ये सब है ना, तो ये एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही थी। तो इसको हम बोलेंगे अपना क्या बोलेंगे इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, किसी को डाउट हायरार्किकल में? ठीक है, और एक्सप्लेन कर देते हैं। कितना समझ में आया, मतलब कहाँ डाउट हो रहा है वो मुझे बताओ थोड़ा, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा फिर। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब इंटरनेट नहीं आ रहा है? एनालाइज नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, क्या नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, कोई बताओ इसको, एक्सप्लेन करो चैट में, डिस्कशन करो गाइस। एक टॉपिक पे अगर डिस्कस करोगे सबको ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हायरार्किकल। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस देखा कि एक क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेती है, मेथड को यूज़ कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब हमने बहुत सारे टाइप्स देखे तो उसमें ये एक इनहेरिटेंस था जिसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें
कि आप एक क्लास एक दूसरी क्लास को करती है। फिर हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि एक क्लास दूसरी क्लास को कर रही है, दूसरी क्लास तीसरी क्लास को कर रही है, जैसे आईफोन स्मार्टफोन को और स्मार्टफोन फ़ोन को कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर हमने देखा कि जब एक क्लास कोई बहुत सारी क्लासेस कर रही है तो उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई थिंक काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा आप वीडियो देखना दोबारा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम दोबारा इसको समझाएंगे। शैलेंद्र का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, शैलेंद्र हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब आपने सोचा होगा कि सर आप जो एक्सटेंड कर रहे हो, आपने सारे खेल खेल लिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में दो क्लास को एक्सटेंड कर लें, क्योंकि जितना भी देखा है हमने एक क्लास एक बार में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, कि आपने ये सोचा कि एक बार में हम एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? क्या हम एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? बताओ कैसे हम करेंगे एक साथ बहुत सारी क्लासेस को, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? ओके, प्रांजल कह रहा है नहीं कर सकते हैं, मेघा कह रही कर सकती हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड करके, और किसी को क्या लग रहा है? बताओ कौन बताएगा? गाइस प्लीज़ एंगेज, आप जितना एंगेज करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। नहीं नहीं वो तो हमने बी कॉमर्स सी, अच्छा आप बता रहे हो कि बी कॉमर्स सी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्लास आईफोन एक्सटेंड फ़ोन और स्मार्टफोन कर देता हूँ, स्मार्टफोन दोबारा बना देता हूँ क्लास, ठीक है। मैंने क्लास में स्मार्टफोन दोबारा बता दी, जीपीएस हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हो कि आप एक साथ दो क्लास कर लेगा? ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने हमें क्या एरर दे दी, कि इसने कुछ अजीब सी एरर दे दी कि कॉमा के पास कोई एरर आ रही है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अनाउंस्ड अलाउड नहीं होता, कि आप एक साथ दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जावा में एक साथ दो क्लास को सॉरी एक्सटेंड नहीं कर सकते, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं हो सकता है। वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास एंड इनहेरिट फ्रॉम ऑल पेरेंट क्लासेस, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्लीज़ नोट दैट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस, ठीक है। जावा में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करना होता है उसके लिए हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है और वो जावा में यूज़ नहीं होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो जावा में क्यों अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकती जावा, उस समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मैं एक सी पे हो गया, ठीक है। एक मैंने यहाँ क्लास बनाई है स्मार्टफोन, ठीक है। फ़ोन क्लास में एक मेथड था
स्विच ऑन, मान लो स्मार्टफोन क्लास में भी यही मेथड हो सेम, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि जावा में अलाउड था, ठीक है, तो फ़ोन कॉमा स्मार्टफोन दोनों अलाउड था, ठीक है। तो स्मार्टफोन में भी एक मेथड आ गया स्विच ऑन सेम सिग्नेचर, फ़ोन में भी आ गया सेम सिग्नेचर, ठीक है। जब मैंने आईफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्विच ऑन कॉल करा, तो अब वो कौन सी क्लास के मेथड को कॉल करेगा, फ़ोन के क्लास को या स्मार्टफोन के क्लास को? कौन सा कॉल करेगा अगर मान लो अलाउड होता तो? रिपीट, ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, अज्यूम करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं अलाउड होता, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि अलाउड है, तो वो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो ये एक्सटेंड कर रहा है, फ़ोन को कर रहा है, स्मार्टफोन को एक साथ कर रहा है, ठीक है। मैंने ऐसी सिचुएशन दी है कि फ़ोन में एक मेथड है स्विच ऑन, और सेम मेथड है स्मार्टफोन में भी स्विच ऑन, के अंदर का कोड अलग हो सकता है, बट उसका नाम और उसका सिग्नेचर, उसका पैरामीटर, ये सब सेम है, ठीक है। तो वो दोनों को एक साथ एक्सटेंड कर रहा है। तो अब जब मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के आईफोन का स्विच ऑन कॉल करूँगा, तो ये कौन सी क्लास का स्विच ऑन मेथड कॉल होगा, ये फ़ोन का होगा या फिर स्मार्टफोन का, बताओ? मेगा कैरी फ़ोन क्लास का होगा, बाकी कोई बताओ? फ़ोन क्लास का कह रहे हैं सब बच्चे। फ़ोन क्लास का मतलब क्यों कह रहे हो आप, क्यों लग रहा है आपको फ़ोन क्लास? नहीं, तो हम तो ऑब्जेक्ट तो आईफोन का बनाया ना, हमने ऑब्जेक्ट हमने आईफोन का बनाया है, आईफोन एक्सटेंड कर रहा है फ़ोन को, और आईफोन एक्सटेंड कर रहा है स्मार्टफोन को, और इन दोनों में ही सेम मेथड है। वेरी गुड, गर्वित ने बिल्कुल सही बोला कि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, मैं फ़ोन का कॉल करूं या फिर मैं स्मार्टफोन का कॉल करूं। तो इसी वजह से जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों क्लास में सेम मेथड है, तो एक डायमंड प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता। तो सब बच्चों को समझ में आ गया, किसी को डाउट? ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसके पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हम दिस कीवर्ड भी
यहीं पर ही समझ लेंगे, मैंने आगे के लिए छोड़ा था। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मैं, चलो फिर से हम कॉन्सेप्ट लेवल पे आ जाते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक फ़ोन है और एक आईफोन है, ठीक है, क्या हर फ़ोन आईफोन है? मतलब मैं ये कह सकता हूँ एवरी आईफोन इज़ अ फ़ोन, क्योंकि वो उसको एक्सटेंड कर रहा है, हर एक आईफोन एक फ़ोन है, ये बात हम बोल सकते हैं। बट क्या हम इसका रिवर्स कह सकते हैं कि एवरी फ़ोन इज़ अ आईफोन? ऐसा तो नहीं है ना, सैमसंग भी हो सकता है, फीचर्ड फ़ोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं, वी कैन नॉट से दैट। हम बस ये बोल सकते हैं आईफोन इज़ अ फ़ोन। सिमिलरली हम सैमसंग के लिए भी बोल सकते हैं सैमसंग इज़ अ फ़ोन, ठीक है, ये वाली बात हम कह सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे समझो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उप्स का, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसे इज़्ज़ रिलेशनशिप से हम आगे कनेक्ट करने वाले हैं, कि जो भी क्लास जिस दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है वो उसका एक इज़्ज़ रिलेशन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इज़ अ रिलेशनशिप कि सैमसंग इज़ अ फ़ोन। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप होती है जिसको हम आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन देर इज़ एन एक्सटेंड्स कीवर्ड इन द क्लास डिक्लेरेशन इन जावा, देन द स्पेसिफिक क्लास इज सेट टू बी फॉलोइंग द इज़ अ रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे आईफोन फ़ोन को एक्सटेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं आईफोन इज़ अ फ़ोन। ठीक है, ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है, एक कॉन्सेप्ट है उप्स को समझने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक इज़ा रिलेशनशिप बोलते हैं। एक दूसरी आती है हमारी हैज़ा रिलेशनशिप। जैसे आप यहाँ पे देखो क्लास डेमो है, तो अगर इसका कोई डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको लगेगा कि हम डेमो रिलेटेड इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, बट इसके अंदर आपको आईफोन का ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है कि आपने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपको आईफोन का भी ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। तो क्या आप बोल सकते हो डेमो हैज़ अ आईफोन, कि डेमो के अंदर आपको आईफोन मिल रहा है, तो आप ये बात बोल सकते हैं डेमो हैज़ अ आईफोन। ठीक है, तो मीन्स दैट एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास हैज़ अ रेफरेंस टू इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास, ताकि एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो उसको हम बोलते हैंज़ अ रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे डेमो क्लास थी, डेमो के पास आईफोन का रेफरेंस है, तो हम बोलेंगे डेमो हैज़ अ आईफोन। तो ये सिंपल सी बात थी, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है इसमें, समझ में आया? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें इज़ा और हैज़ा में? ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसको, प्रॉब्लम क्या आई है, क्यों हमें सुपर कीवर्ड का काम लेना पड़ता है। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें एक वेरिएबल हमने लिया है यहाँ पे इंट स्क्रीन साइज़, फ़ोन में हमने एक वेरिएबल बना रखा है इंट स्क्रीन साइज़। ठीक है, इसमें हमने बनाया है इंट स्क्रीन साइज़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आईफोन में ही एक और वैल्यू ले लेता हूँ इंट स्क्रीन साइज़। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज़ प्रिंट कराऊँगा तो वो कौन सा वाला स्क्रीन साइज़ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं फ़ोन की कुछ 8। ठीक है, और यहाँ पे जब आईफोन को स्क्रीन साइज़ हमने कराया तो यहाँ पे हमने 12 करा दिया। ठीक है, तो अब मैं ये वाला मेथड कॉल करता हूँ और देखते हैं कि कौन सा वाला हमारा कॉल होगा, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो कौन सी प्रिंट होगी हमारी, 12 आएगा कि 8 आएगा, कौन बताएगा?
अच्छा वो कॉमा तो हटा दूँ। बताओ 8 प्रिंट होगा कि 12 प्रिंट होगा? क्या प्रिंट हुआ है हमारा यहाँ पे? 12। तो अगर मुझे 8 एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि 12 क्यों प्रिंट हुआ है? अब मेरा 8 प्रिंट हो गया। तो मैंने इसमें कुछ कोड में चेंज करा जिससे कि मेरा 8 प्रिंट हो गया। अगर मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं कि ये जो स्क्रीन साइज़ वेरिएबल है जहाँ पे मैंने 8 दे रखा है, ये बिलोंग करता है सुपर क्लास को, ठीक है? इस बात को समझो। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन साइज़ वेरिएबल दिया है वो बिलोंग करता है सब क्लास को। तो अगर मुझे सब क्लास के सुपर स्क्रीन साइज़ को एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? स्क्रीन साइज़। या फिर अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट देना है तो मैं कर दूँगा दिस डॉट स्क्रीन साइज। दिस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है। अब अगर मुझे सुपर क्लास का करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा? सुपर डॉट स्क्रीन साइज, ठीक है? तो ये छोटी सी बात समझ में आई? मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके सब बच्चे। ठीक है, बताता हूँ मैं दिस से क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या सुना कि जैसे क्या था कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, ठीक है? एक स्क्रीन साइज था वेरिएबल जो कि मेरा सब क्लास में है जिसमें मैंने एक्सटेंड किया है, और एक फ़ोन क्लास है जिसको मैंने एक्सटेंड किया। तो उसमें भी स्क्रीन साइज़ है और यहाँ पर भी स्क्रीन साइज़ है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यू इनिशियलाइज़ करा तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वाला कॉल करा? सब क्लास वाला, ठीक है? स्क्रीन साइज़ वाला कॉल करा, सब क्लास वाला इसने प्रिंट करा दिया। अगर मुझे सुपर क्लास का चाहिए तो मुझे कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है? सुपर डॉट स्क्रीन साइज़, उससे सुपर वाला प्रिंट हो गया। अब जैसे सुपर कीवर्ड है एक ऊपर वाले के लिए, मतलब जिस क्लास को एक्सटेंड करा है, इसी तरह से एक दिस कीवर्ड है सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए, कि जो सेम क्लास का मटेरियल है उसको रेफ़र करने के लिए दिस यूज़ करते हैं। आपको कोई नीड नहीं है, मतलब ऑप्शनल है ये। एक कभी कभी यूटिलिटी आ जाती है जहाँ थोड़ी 3-4 ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दिस और सुपर से क्या होगा? ठीक है गर्वित, क्लियर हो गया दिस से हमने क्या करा है? अभी हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि सुपर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको इशू बता दिया किस लिए किया है, अब हम सुपर पढ़ते हैं और डिटेल में। द सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल डेट इज़ यूज टू रेफर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो पेरेंट क्लास के कुछ भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? उसका वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, उसका मेथड एक्सेस कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम सुपर की मदद से वो तीनों चीज़ें करने जा रहे हैं। मैंने आपको वेरिएबल का एग्जाम्पल दिखा दिया कि जहाँ पर सब क्लास और सुपर क्लास का आपने डेटा मेम्बर्स का नाम सेम था, आपने एक्सेस कर लिया। अब मैं आपको मेथड दिखाता हूँ। अब मैं जैसे स्विच ऑन हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो स्विच ऑन अगर नीचे कोई नाम नहीं है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली स्विच ऑन कॉल कर दोगे इसके अंदर तो क्या होगा? कुछ भी दिस नहीं लगाया, कुछ भी सुपर नहीं लगाया। मैं यहाँ पे सिर्फ चेक आईफोन प्रिंट कराता हूँ, कॉल कराता हूँ, और उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्विच ऑन पास कर दिया, कॉल कर दिया मेथड। ठीक है,
तो आईफोन 12 आया और मेरा इन फोन वाला प्रिंट हो गया, मतलब कि स्विच ऑन वाला मेथड मेरा कॉल हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने एज इट इज़ बिना किसी कीवर्ड लगाए इसको कॉल कर दिया। अब दिक्कत तब आएगी जब मान लो मेरा यहाँ पे एक और मेथड हो इसी नाम से, ठीक है। तो अब मैं अगर स्विच ऑन कॉल करूँगा तो क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे कमेंट में? बताओ क्या प्रिंट होगा, इन आईफोन प्रिंट होगा, इन फोन प्रिंट होगा? इन आईफोन बोल रहा है गर्वित, बाकी कोई और कुछ और? बाद वाला प्रिंट होगा, मतलब आईफोन के अंदर जो है वही वाला प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो आईफोन वाला प्रिंट हो गया, ये जो हमने फ़ोन क्लास आईफोन क्लास में बनाया वो वाला मेथड प्रिंट हुआ जो कि सब क्लास में था, ठीक है। ये मोटा मोटा पर्पस है, बट अगर मुझे ऊपर वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सुपर डॉट स्विच ऑन कॉल कर दूंगा। तो अब क्या प्रिंट होगा मेरा, इन आईफोन आएगा कि इन फोन आएगा? तो मेरा इन फोन आ गया। तो सुपर मेथड, सुपर कीवर्ड का हमने यूज़ कर लिया मेथड कॉल करने के लिए भी, जब दो मेथड के नाम हो एम्बिग्विटी आए तो उसमें हम सुपर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिस यूज़ हो जाएगा, जैसे आपने अगर मुझे स्पेसिफिकली अब दिस डालना है तो दिस डॉट स्विच ऑन कर दूंगा, तो मैं ये इन आईफोन मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इन आईफोन प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड लगा लिया। तो मेथड पे समझ में आया हमने सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करा, वेरी गुड। वेरी गुड, अब तीसरी चीज़ जो बचती है जिसकी एप्लीकेशन मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर, जैसे अगर हमें एक सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो वो भी हम इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ़ोन में कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, फ़ोन, और मैं यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, कुछ स्क्रीन साइज़ हम यहाँ पे 8 यहाँ से असाइन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और लोकल से हटा देते हैं क्योंकि वो वाला एग्जांपल हमने देख ही लिया है। स्विच ऑन भी हटा देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, चेक आईफोन में जैसे ही आए तो आपने क्या करा, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है। अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल होता है जिसके क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें सुपर के आगे कुछ और नहीं लगाना, खाली सुपर लिखना है, पैरेंथेसिस देने। अगर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कुछ नहीं होगा, सीधा आपने पास करा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा दिया। तो सुपर खाली पैरेंथेसिस सेमी कॉलन, उससे क्या होगा, वो वैल्यू मेरी इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कोई पैरामीटर होता तो मैं पैरामीटर भी पास कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन साइज़ की कोई वैल्यू नहीं दी है आईफोन में या कहीं और पे, सिर्फ और सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्टर में कॉल करी है, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ओप्स, एक गड़बड़ मैंने कर दी। कंस्ट्रक्टर को आप कंस्ट्रक्टर से ही कॉल कर पाओगे, दूसरे मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल होगा, तो मैंने आईफोन का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, तो 12 इनिशियलाइज हो गया, 12 मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आईफोन 8 इनिशियलाइज किया था वहाँ पे और 8 ही मैंने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, सब कुछ समझ में आया, सुपर की मदद से हमने कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करा। किसी को कोई डाउट उसमें कंस्ट्रक्टर में?
मेगा को बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है सब कुछ। वेरी गुड, यू आर अ फास्ट लर्नर मेगा। ठीक है, तो हमने सुपर कीवर्ड के तीन यूज़ पढ़े यहाँ पे, कि वेरिएबल कैसे एक्सेस करना है, पेरेंट क्लास का सुपर क्लास का मेथड कैसे एक्सेस करना है, कंस्ट्रक्टर कैसे करना है, वेरिएबल कैसे करेंगे सुपर डॉट उस वेरिएबल का नाम, मेथड कैसे करेंगे सुपर डॉट मेथड का नाम, और उसमें पैरामीटर्स जो भी पास करने हैं। कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ सुपर कीवर्ड यूज़ कर देंगे और पैरामीटर जो भी हमें वहाँ पर आगे पास करने हैं कंस्ट्रक्टर में ही होगा, मतलब किसी मेथड में हम इसे कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था बच्चों इनहेरिटेंस में। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमने 4:45 पे स्टार्ट करी थी, तो लगभग 10-12 मिनट बचे हैं, तो 10-12 मिनट में तो वो नहीं हो पाएगा, वो भी कम से कम 30-40 मिनट्स का है। तो एक बार इनहेरिटेंस ही डिस्कस कर लेते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो सोचो मुझे बताओ, मैं वो वाले आपके डाउट्स ले लेता हूँ, क्योंकि यही सब आता है इनहेरिटेंस में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, नोट्स दे देंगे। चलो, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर आप बाद में पूछ लेना और रिकॉर्डिंग देख लेना, और कुछ आएगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, हम तो आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं ही।